वालेकुम स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक सेकेंड ईयर की फिजिक्स के चैप्टर नंबर सिक्सटीन से है जिसका टॉपिक नेम है एसी थ्रू इंडक्टर तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज इंडक्टर इंडक्टर एक कोयल या सोलेनाइड शेप की एक वायर होती है जिस जो कि नॉर्मली एक थिक वायर से इसको लिया गया होता है थिक वायर लेने का पर्पज़ ये होता है ताकि इसकी रेजिस्टेंस कम हो और इंडक्टेंस ज़्यादा हो ये हमारा एक ऐसी सर्किट है जिसके अंदर एक अल्टरनेटिंग सोर्स को इंडक्टर के साथ जोड़ा गया आल्टरनेटिंग सोर्थ होने की वजह से वी नो डैट आफ्टर स्पेसफ़िक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद इसकी पुलैरिटी जो है वो रिवर्स होती है और इस दौरान जो करंट होता है वो आल्टरनेटिंग वे के साथ इनक्रीज़ और डिक्रीज होता है तो हमने चैप्टर नंबर फिफ्टीन के अंदर ये चीज़ पढ़ी थी कि जब किसी कोयल के अंदर या किसी सोलेनाइड के अंदर से करंट की वैल्यू तब्दील होती है तो उसके अंदर एक ई एम एफ़ पैदा होता है जिसको बैक ई एम एफ़ का नाम दिया गया था तो सिमिलरली इंडक्टर इज़ आल्सो इन द फॉर्म ऑफ कॉल और सोलेनाइड। जब हम इसको ए सी सर्कट के साथ जोड़ेंगे तो ए सी सर्कट के अंदर करंट की वैल्यू के तब्दील होने की वजह से इस इंडक्टर के अंदर भी एक ईएमएफ e पैदा होगा जिसको बैक ईएमएफ e का नाम दिया जा सकता है अब अल्टरनेटिंग सोर्स अटैच होने से इसके अंदर से जो करंट फ्लो करेगा उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू आई इज़ इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल होगी तो अगेन वी कैन सी डैट इन दिस फॉर्मूला साइन थीटा इज इन्वॉल्व सो द वे फॉर्म ऑफ दिस इक्वेसन विल बी साइन करब तो इसका जो ग्राफ होगा वो साइनोसाइडल ग्राफ हमारे पास आएगा ड्यू टू तो प्रेजेंस ऑफ साइन थीटा तो बैक ई एम एफ़ का कंसेप्ट आपको दिया कि जब भी कॉयल के अंदर से करंट की वैल्यू वेरी करेगी तो उसके अंदर ई एम एफ़ पैदा होगा जिसको हम बैक ई एम एफ का नाम देंगे अगर इस कॉइल की रेजिस्टेंस को हम ज़ीरो कंसीडर कर लें तब इस कोयल के अंदर पैदा होने वाला ईएमएफ, जिसको हम बैक ईएमएफ कहते हैं वो इस बैटरी के वोल्टेज के इक्वल होगा बट कंडीशन क्या है अगर हम रेजिस्टेंस को ज़ीरो कंसीडर करेंगे तो जो ई एम एफ़ इस कॉइल के अंदर पैदा हो रहा है इट कैन बी गिवन बाय दिस फार्मूला ई एम एफ़ या जिसको हमने सेल्फ़ इंड्यूस्ड ई एम एफ़ पढ़ा था ई एल इज़ इक्वल टू एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी तो इन द सिचुएशन व्हेन रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू ज़ीरो वोल्टेज विल बी इक्वल टू ई एम एफ बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ वोल्टेज इंस्टेड ऑफ़ ई एम एफ़ we will get this equation in this equation l is a proportionality constant so we can write this equation in the proportional form in such a way that v is proportional to rate of change of current delta i over delta t तो मीन वी जो वोल्टेज की वैल्यू है वो आई टी का जो ग्राफ है उसके स्लोप के ऊपर डिपेंड करेगी आई टी कर्व का स्लोप जो है वो हमें वी की वैल्यू के बारे में इंफॉर्मेशन देगा और आई का आई टी कर्व ऊपर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम बता चुके हैं कि वो साइन कर्व की फॉर्म में बनेगा तो अगेन बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ स्लोप इस पॉइंट के ऊपर स्लोप मैक्सिमम तो ये पॉइंट आ गया मैक्सिमम की वजह से इस पॉइंट के ऊपर स्लोप मिनिमम तो वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी इस पॉइंट के ऊपर दोबारा स्लोप मैक्सिमम हुआ बट इन नेगेटिव डायरेक्शन तो अगेन उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी लेकिन नेगेटिव साइड पे आएगी इस पॉइंट के ऊपर स्लोप की वैल्यू अगेन ज़ीरो इस पॉइंट के ऊपर स्लोप की वैल्यू जस्ट लाइक दिस पॉइंट अगेन पॉजिटिव मैक्सिमम तो डिफरेंट पॉइंट के ऊपर स्लोप की वैल्यू को फाइंड करते हुए हमने ये पॉइंट्स लिए जब मैं इन पॉइंट्स को जॉइन करूँगा तो मेरे पास इस तरह का ग्राफ आ जाएगा अब ये ग्राफ जो है ये इंडिकेट कर रहा है वी को ये बेसिकली वी का ग्राफ है ये ग्राफ है करंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम और ये ग्राफ है वी का वोल्टेज का विद रिस्पेक्ट टू टाइम और वी या का ग्राफ जो है वो कैसे फाइंड किया जा रहा है बाय टेकिंग द स्लोप एट डिफरेंट पॉइंट ऑन आईटी टी अब अगर इन दोनों ग्राफ्स को कंबाइन करें तो ये सिचुएशन या इस तरह की शेप हमारे पास बन जाएगी अगेन इस पॉइंट के ऊपर अगर हम देखते हैं ब्लू लाइन जो है वो इंडिकेट कर रही है करंट को तो इस पॉइंट के ऊपर या इस लाइन के ऊपर करंट की जो वैल्यू है करंट का जो एंगल है वो ज़ीरो डिग्री है तो हम लोग करंट को हॉरिजॉन्टल ड्रा करवा देंगे सिमिलरली वी कैन सी डैट द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एट दिस पॉइंट इज़ पॉजिटिव मैक्सीम तो पॉजिटिव मैक्सीम होने की वजह से हम आ, इसको पॉजिटिव मैक्मम नाइन्टी डिग्री पर होगा तो वी की जो लाइन होगी वो नाइन्टी डिग्री पर हम इस तरह वर्टिकल ड्रा करवा देंगे अगेन इनके दरम्यान में एंगल का डिफरेंस कितना आ रहा है नाइन्टी डिग्री जस्ट लाइक पेस्टर बट इन दिस केस वी कैन सी डैट वोल्टेज इज़ लीडिंग द करंट बाई 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 टू इन द केस ऑफ़ कपेस्टर क्या था करंट लीड कर रहा था वोल्टेज को नाइन्टी डिग्री के साथ बट इन द केस ऑफ़ इंडक्टर वी कैन सी डेट वोल्टेज इज़ लीडिंग द करंट बाय बाई बाई टू तो जैसा कि कपेस्टर के, के टॉपिक में हमने पढ़ा था जब भी वोल्टेज और करंट के दरम्यान में फेज डिफ्रेंस होगा तो पावर डेसीपेशन इस फार्मूले की मदद से फाइंड की जाती है फेज डिफरेंस 90 डिग्री होने की वजह से जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 90 तो कॉस्ट 90 जीरो होने की वजह से पावर डेसीपेशन क्या हो जाएगी जीरो के इक्वल आ जाएगी इट्स मीन जो इंडक्टर है वो पावर डेसीपेट नहीं करता देन वी विल टॉक अबाउट द रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर रिएक्टेंस कल भी आप लोगों को बताया रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर के बारे में द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट विल कॉल्ड रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर एक्स एल आ जाएगा एल इंडक्टर के लिए अगेन फॉर्मूला सेम विल बी इक्वल टू वी रूट मीन स्क्र वैल्यू ऑफ द करंट टू ओवर आई रूट मीन स्क्र वैल्यू ऑफ द करंट एक्स एल विल भी इक्वल टू ओमेगा एल ओ मेगा इज इक्वल टू टू पाई एफ वई कैन सी डैट एक्स एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी कल के टॉपिक में क्या पढ़ा था एक्स सी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी तो कैपेसिटेंस के केस के अंदर या कैपेसिटर सर्किट के, के केस के अंदर फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी रिएक्टेंस ऑफ कपैसटर के बट इन द केस ऑफ इंडक्टर फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर मीन रिएक्टेंस ऑफ द कंडक्टर विल बी हाई व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ आल्टरनेटिंग सोर्स इज हाई अगर आप ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला सोर्स लगाएंगे तो इंडक्टर की रिएक्टेंस ज़्यादा हो जाएगी अगर कम फ्रीक्वेंसी वाला सोर्स लगाएंगे तो इंडक्टर की रिएक्टेंस कम हो जाएगी मेन इंडक्टर अच्छे तरीके से कब काम करेगा जब आप उसको किसी कम फ्रीक्वेंसी वाले सर्किट में लगाएंगे इन दोनों को कंपेयर करें तो फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर के केस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंस के और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंस के इन द केस ऑफ इंडक्टर अगेन उन तीन पॉइंट्स की बात करते हैं नंबर वन इन द केस ऑफ इंडक्टर वोल्टेज विल लीड द करंट बाय बाई बाई टू जैसा कि यहाँ पे हम इसको प्रूव कर चुके हैं इन द केस ऑफ पावर डेसीपेशन इन इंडक्टर विल बी जीरो एंड द रियक्टेंस ऑफ द इंडक्टर इज डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीकुएसी बाई इंक्रीजिंग द फ्रीकुएंसी

In the first quarter, we can see that both i and v are positive. So the power will be positive. It means in this case, inductor will gain the energy. In the second quarter, we can see i is positive but v is negative. So the power will be negative in this. Situation. Yeah, in this quarter, uh, in, in this quarter, inductor will release the energy. That will be gained during the first quarter. In the third quarter, both V and I are negative. When two negative quantities multiply with each other, then the result is positive. Mean in this situation, yeah, in this quarter, again the इंडक्टर विल गेन द एनर्जी इन द फोर्थ क्वाटर वोल्टेज इज़ पॉजिटिव करंट इज दटिव सो द पावर वैल्यू विल भी नेगेटिव इट्स मीन इन दिस पोर्शन आर इन दिस क्वाटर द कैपेसिटर विल रिलीज द एनर्जी सो फर्स्ट क्वाटर के अंदर इंडक्टर ने जितनी एनर्जी गें की होगी सेकेंड क्वाटर में उतनी उसको रिलीज़ करेगा थर्ड क्वार्टर में जितनी एनर्जी उसने गेन की होगी फोर्थ क्वार्टर में उतनी एनर्जी रिलीज़ करेगा तो प्रैक्टिकली एक इंडक्टर जो होता है वो कोई भी एनर्जी डेसीपेट नहीं करता या पावर डेसीपेशन इंडक्टर के अंदर ज़ीरो होती है पावर डेसीपेशन के ज़ीरो होने की वजह से इंडक्टर को कई अल्टरनेटिंग सर्किट्स के अंदर करंट की वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो इंडक्टर जो है बग़ैर इनर्जी लॉस किए बग़ैर सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू को कंट्रोल करता है तो इस वजह से इंडक्टर को चौक का नाम भी दिया जाता है चौक बेसिकली एक ऐसा कंपोनेंट है जो इनर्जी रिलीज़ या इनर्जी ज़ाया किए बग़ैर किसी भी सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू को कंट्रोल करती है तो बच्चों ये हमारा आज का टॉपिक था जो ए थ्रू इंडक्टर के बारे में इस टॉपिक से आगे एक छोटा सा टॉपिक है अबाउट इम्पीडेंट्स के बारे में इसके बारे में भी थोड़ा सा ओवरव्यू दे ए, लेते हैं कि एम्पीडेंस क्या होती है इंपीडेंट्स भी बेसिकली रेजिस्टेंस की होती है या ओपोजिशन ही होती है लेकिन रेजिस्टेंस इम्पीडेंस और रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर और कैपेसिटर में फ़र्क क्या है अगर किसी सर्किट के अंदर सिर्फ रेजिस्टर कनेक्टेड होगा तो रेजिस्टर के कनेक्ट के कनेक्ट होने के दौरान रेजिस्टर जो ऑपोजिशन ऑफर करता है करंट को फ़्लो करने के दौरान उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं सिमिलरली एक्स सी और एक्स एल के बारे में आपको बताया एक्स सी रिएक्टेंस ऑफ कपैसटर है एक्स एल रियक्टेंस ऑफ इंडक्टर है बट दीज टू आर आल्सो द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाई द कपैसटर एंड इंडक्टर टू द फ़्लो ऑफ करंट बेसिकली ये भी रजिस्टेंस ही होती हैं यह ऑपोजिशन ही होती है जो कि ऑफर की जा रही होती है टू द फ़्लो ऑफ करंट को बाई कपैसटर और इंडक्टर दीज थ्री क्वान्टिटीज आर मैड इन ओहम नाओ वी डिस्कस वाट इज द इम्पीडेंस अगर हमारे पास कोई ऐसा सर्किट है जिसके अंदर रजिस्टर कैपेसिटर और इंडक्टर तीनों कनेक्टेड हैं चाहे वो सीरीज के अंदर कनेक्टेड हैं या पैरेलल कनेक्ट कुनेक्टेड हैं इन तीनों का कम्बिनेशन हो सकता है या इन में से किसी दो का कम्बिनेशन हो सकता है तो वो एक हमारे पास कम्प्लेक्स सर्किट की फॉर्म बन जाएगी जिसके अंदर दो कंपोनेंट एट लीस्ट आपस में कनेक्टेड होंगे इधर इन सीरीज दार पैरल बट थ्री कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं तो एक से ज़्यादा कंपोनेंट की मौजूदगी में जब करंट फ्लो करेगा तो जितने भी कंपोनेंट होंगे सारे कंपोनेंट करंट की फ्लो के दौरान ऑपोजिशन ऑफर करेंगे तो वो जो कंबाइन इफेक्ट होगा ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय रेजिस्टर कैपेसिटर एंड इंडक्टर उस कंबाइन इफेक्ट को इम्पीडेंस का नाम दिया जाता है असल में ये भी ऑपोजिशन है लेकिन इसके अंदर क्या होगा मोर देन वन कंपोनेंट जो होंगे वो मिलकर ऑपोजिशन अप्ला, अप्लाई कर रहे होंगे टू द फ्लो ऑफ करंट को तो कंबाइन इफेक्ट उस सर्किट का जिस सर्किट की हम बात कर रहे हैं चाहे उस सर्किट में दो एलिमेंट हैं या तीन एलिमेंट हैं तो वो सर्किट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो जब मिलकर करंट की ऑपोजिशन जो प्रोवाइड करेंगे करंट को डैट कम्बाइन इफेक्ट ऑफ द अपोजिशन इज़ कॉल्ड इंपीडेंस तो असल में ये भी अपोजिशन है तो मज़ात है और इस वजह से ये भी रजिस्टेंस की तरह इसको इसको भी ओहम के अंदर मैर किया जाएगा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जी के साथ रजिस्टेंस के फार्मूले के मुताबिक वी ओवर आई सेम इट इज़ दल्सो रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ जी इज़ इक्ल टू वी रूट मीन स्वेयर वैल्यू ओवर ई रूट मीन स्क्र वैल्यू सो वी कैन से दैट द रेशो ऑफ रूट मीन स्क्र वैलू ऑफ दोल्टेज टू द रूट मीन स्क्र वैल्यू ऑफ द करंट इज कॉल्ड इम्पीडेंस लेकिन इंपीडेंस हमेशा उस सर्किट की होगी जिसके अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट आपस में कनेक्टेड होंगे रेजिस्टेंस रेजिस्टर की रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर एक्स सी से रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर को एक्सएल से इम्पीडेंस कंबाइंड इफेक्ट उस सर्किट का जिसके अंदर मोर देन वन एलिमेंट कनेक्टेड होंगे ये सारी बेसिकली ऑपोजिशन हैं जो ऑफर हो रही होती हैं करंट को फ्लो करने के दौरान इस वजह से इन तमाम का यूनिट होगा ओहम हो के बराबर शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स ये हमारा आज का टॉपिक था इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो होंगे उसके अंदर इसी इन्हीं जो जो टॉपिक हमने पढ़े ए थ्रू रजिस्टर कैपेसिटर और इंडक्टर अब इनके आगे मोर देन वन एलिमेंट को लेके सर्किट को एक्सप्लेन किया जाएगा तो आप इस इन टॉपिक्स को डिटेल में एक दफ़ पढ़ें मोर देन वन टाइम उसको सुने बुक के साथ रीड करें बुक को जो भी पॉइंट्स आपके जेन में आते हैं वो आप ग्रुप के अंदर शेयर करें तो उनको ओवरकम किया जाएगा तो बेसिकली ये अभी हमने बेसिक थ्री जो सर्किट्स है हैं वो पढ़े हैं नेक्स्ट आने वाले जो टॉपिक हैं उनके अंदर आगे इनके कम्बीशन इस्तेमाल होंगे तो इसके अंदर आपने ये चीज़ें याद रखनी हैं कि रजिस्टर के अंदर फेद डिफरेंस कितना होता है कैपेसिटर के अंदर फ़ेद डिफरेंस कितना होता है इंडक्टर के अंदर फेद डिफरेंस कितना होता है और फिर आपको पता होना चाहिए कि इंडक्टर और कैपेसिटर में कौन सी चीज़ लीड कर रही है कौन सी चीज़ लैग कर रही है इन तमाम पॉइंट्स को आपने जहन में रखना है और टॉपिक को दो से तीन दफ़ा पढ़ें ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से अवेयरनेस हो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का टॉपिक था अल्लाह हाफिज़